आप सभी का सुभाष सर साइंस क्लासेस में स्वागत है। मुझे ऐसा ही नहीं पूरा विश्वास है आप सब छुट्टियों में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। आइए इसी मस्ती के साथ लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और आज का टॉपिक हमने 9th क्लास के फिजिक्स से लिया है। आइए कुछ बेहतरीन और महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमने चुने हैं आपको, जो आपको कोर्स में भी काम आएगा, कोर्स से रिलेटेड है। OMR सीट पे जो पेपर परीक्षाएं होती हैं उसमें काम आएगी, और किसी भी प्रतियोगिता की परीक्षा में विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के रूप में ये आपको काम आने वाला है। तो लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, 1 किलोवाट तुल्य है। इसका प्रश्न है पहला, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट तुल्य है। विकल्प दिया है 4, 1.34 अश्व सामर्थ, 746 अश्व सामर्थ, 10 अश्व सामर्थ, इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें, 1 किलो वाट जो है बराबर होता है, तुल्य होता है, ए वाला विकल्प जो है 1.34 अश्व सामर्थ के। तो पूरी तरह से इस बात को नोट कर लें, कभी आपसे 1 किलो वाट की तुलना अगर सामर्थ्य से करे, अश्व शक्ति से करे, 1 किलोवाट की तुलना, जब आपको बताए कि 1 किलोवाट में कितने अश्व सामर्थ्य होता है, अश्व शक्ति होती है, तो आप बताएंगे 1.34। तो 1 किलोवाट बराबर 1.34 अश्व सामर्थ्य के। तो पहला वाला विकल्प सही है, ए वाला विकल्प सही है, ये वाला। आइए दूसरे प्रश्न में चलते हैं। हाफ एम वी स्क्वायर सूत्र है। हाफ मतलब 1/2, एम वी स्क्वायर किसका सूत्र है? विकल्पों पे आइए, गतिज ऊर्जा का, स्थितिज ऊर्जा का, सामर्थ्य का और नाभिकीय ऊर्जा का। तो इन चारों विकल्पों में हाफ एम वी स्क्वायर, इसे 1/2 m v² कहते हैं, यह सूत्र है गतिज ऊर्जा का। किसका सूत्र है? गतिज ऊर्जा का। तो इसलिए प्यारे बच्चों ध्यान रखना, कहीं भी 1/2 m v² या हाफ एम वी स्क्वायर लिखाओ तो समझ जाना ये गतिज ऊर्जा का सूत्र लिखा हुआ है। किसका सूत्र होगा ये? गतिज ऊर्जा का। गतिज ऊर्जा इसमें विकल्प में कौन है? पहला ही विकल्प है। इस वाले में भी पहला ही विकल्प सही है, गतिज ऊर्जा, ए वाला विकल्प सही है, ये है आपका गतिज ऊर्जा। आइए, घड़ी को चाबी, जब घड़ी होती है उसकी चाबी भरते हैं, या घड़ी आप पहनते हैं ये वाली, जब चाबी भरते हैं तो इसमें संग्रह, घड़ी की चाबी देने में संग्रह करते हैं। जब आप घड़ी की चाबी भरते हैं तो उसमें चाबी के माध्यम से क्या संग्रहित करने का प्रयास करते हैं, क्या संग्रह करते हैं, कभी सोचा है आपने? नहीं? तो आइए आज जान लीजिए। स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गुरुत्वीय और सामर्थ्य। यानी जब आप घड़ी की चाबी भरते हैं तो उस भरने का जो मकसद होता है वो क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गुरुत्वीय और सामर्थ्य, इन चार विकल्पों में से। हम आपको बता दें, जैसे ही घड़ी में आप चाबी भरते हैं तो चाबी भरने के दौरान, मतलब चाबी भरने का जो मूल रीजन होता है वो ये होता है कि इसमें स्थितिज ऊर्जा, किसके लिए भरते हैं? स्थितिज ऊर्जा। तो इसमें भी पहला ही विकल्प सही। देखो अब तक जितने भी 3 प्रश्न आए, तीनों का पहला ही विकल्प सही है। तो इसमें भी पहला ही विकल्प सही है, घड़ी को चाबी देने में हम स्थितिज ऊर्जा का संग्रह करते हैं। एक बार चाबी दे देते हैं तो उसमें स्थितिज ऊर्जा का संग्रह हो जाता है, फिर वो घड़ी की सुई कंटिन्यू चलती रहती है। तो इसलिए ध्यान रखना, कोई पूछे घड़ी की चाबी जब देते हैं तो क्या संग्रह करते हैं, तो बता देना, घड़ी की चाबी जब हम भरते हैं तो उस चाबी भरने के साथ साथ हम उसमें स्थितिज ऊर्जा का संग्रह करते हैं। आइए अगला है, अधिकतम कार्य के लिए, अधिकतम कार्य के लिए बल विस्थापन के बीच का कोण। अधिकतम यानी अधिक से अधिक कार्य हो उसके लिए बल और विस्थापन
के बीच का कोण होगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। तो हम आपको बता दें, जब अधिकतम कार्य करना हो आपको, तो कार्य और विस्थापन के बीच का कोण जो है वो 0 डिग्री होना चाहिए। मतलब उसके बीच में कोई कोण नहीं होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए। लो एक बार फिर से, यहाँ भी ए ही विकल्प सही है। तो आज तो हमने आपके लिए ऐसा क्वेश्चन चुना है कि जिसमें अभी तक जितने भी प्रश्न आए सब में ए वाला विकल्प सही है, पहला ही विकल्प सही। तो यहाँ भी हम पहले वाले पे ही लगाते हैं, 0 डिग्री। कोण अधिकतम कार्य के लिए बल और विस्थापन के बीच में जो कोण होगा वो 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री, 0 डिग्री, 0 अंश। अगला प्रश्न आ जाओ, किसी कारक द्वारा कार्य करने की दर को कहते हैं। कोई कारक है, जब वो कार्य करता है तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। हमने बहुत पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसमें ये प्रश्न आ चुका है। हम आपको बता दें, कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? सामर्थ्य। तो यहाँ प्रश्न पे आ जाओ, किसी कारक द्वारा कार्य करने की दर को हम क्या कहेंगे? सामर्थ्य कहेंगे। तो लो, यहाँ भी आपका ए वाला ही विकल्प सही है। तो आज तो कमाल हो गया, 5 के 5 प्रश्नों में, सही विकल्पों में सभी प्रश्नों का विकल्प ए ही सही निकला। पहले में आपका 1.34 सामर्थ्य, दूसरे में गतिज ऊर्जा, तीसरे में स्थितिज ऊर्जा, चौथे में 0 डिग्री और पांचवें में सामर्थ्य। कहने का मतलब, आज सभी 5 प्रश्नों में जो आपके विकल्प थे वो ए वाला ही विकल्प सही है। तो इस तरीके से आज का लेक्चर पूरा हुआ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके भी बताना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी हो सके। तो इसलिए वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब।